बहुत सी तकलीफें खुदा नहीं बेचता, वो आपके मूर्खता के नतीजे हैं। ट्रस्ट मी, आपने गाड़ी ठोक दी, सामने वाले ने चापड़ मारी और कलीसा में कहते हो आके प्रभु मुझे तोड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, व्यक्ति ने तोड़ा है तुझे। ऐसे प्रभु तोड़ता है तुम्हें। आप इतनी बड़ी हील पहन के आओगे चर्च में, गिर गए, टांग मुड़ गई, प्रभु तोड़ रहा है। हाँ, एक पास्टर ने एक बहन को कहा चर्च में गवाही दो। वो बहन शर्माने लगी, मैं गवाही नहीं दे सकती, मैं बड़ी सुशील हूं, हम गुंडे हैं जैसे, मैं बड़ी कोमल हूं, मैं बोलती भी नहीं। पास्टर को लगा चलो सच्ची में ये ज्यादा बोलती नहीं। एक दिन पास्टर साहब उसके घर से गुजर रहे थे, ओ जो पति को गालियां दे रही थी, ऐसी ऐसी गालियां जो पास्टर ने कभी नहीं सुनी थी। पास्टर उनके घर गया, उसने बोला सुशील औरत बाहर तो आ, गवाही नहीं दे रही थी। नहीं पास्टर, एक्चुअली मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे बोलती जरूर हूं, मैं बाहर से ऐसी हूं। पास्टर ने बोला तू बाहर से ऐसी है, तू अंदर से कैसी होगी? यू नो, कभी कभी लोग है ना बड़े डिफरेंट फॉर्म में जिंदगी जीते हैं। वेरी डिसेंट इन चर्च। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाओ, खुदा के कलाम में कहां नहीं लिखा है कि क्रिश्चियन पर, एक मसीह व्यक्ति पर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बाइबल बताती है आती है, लेकिन यहां फुल स्टॉप नहीं है। वहां पर भी लिखा है वो तुम्हें छुड़ाता है, यहां पर भी लिखा है यीशु तुम्हें शांति देता है। आमेन। आइए हम स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और 2 मिनट चाहिए फिर हम प्रीचिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी तकलीफें आप पे खुदा नहीं बेचता, बोलो मैं ले आता हूं। हाँ, आप एक काम करो, यहां से जाओगे ना आइसक्रीम लो 1 किलो, कितना देखा है, उनको बोलो फैमिली पैक दो, वो आपको देंगे। पहले पूछेंगे फैमिली है कि नहीं, उनको बोलो फैमिली पैक दो, इतना बड़ा पैक देंगे। ठीक है, खाना स्टार्ट करो। अगले दिन आपका नोस या तो आपका गला गया, क्या बोलोगे? प्रभु मुझे तोड़ रहा है। प्रभु बोलेगा मैं कुछ किया भी नहीं। यू नो, बहुत लोग है ना अपनी मूर्खताओं के कारण फंसते हैं। मैसेज टाइप करोगे, किसी से बात कर रहे हो, अब किसी और के पास चला गया, उसके पति ने पढ़ लिया, आपको कॉल किया, कौन है तू? मेरी बीवी को। सर 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 सुनिए, सर सर सुनिए, सही सर सुनिए, तू है कौन? अब वो आपको धोएगा। क्या बोलोगे? खुदा ने तोड़ा, परमेश्वर तोड़ रहा है तुम। जानते हो परमेश्वर जब तोड़ता है तो क्या तोड़ता है? तुम्हारी पुरानी समझ। कभी सिखाऊंगा मैं आपको जब परमेश्वर तोड़ता है तो कैसे ब्रेक करता है। अरे उसका तोड़ना मजा आ जाएगा आपको। आप बोलोगे रोज मार मुझे, उसकी मार इतनी प्यारी है, क्योंकि लिखा है जब वो मारता है तो वो चिल्लाता भी है। शैतान सिर्फ आपको मारेगा, याद रखना, पर खुदा जब मारेगा वो चिल्लाएगा भी। डेविल विल ओनली ब्रेक्स यू, वो सिर्फ आपको मारेगा, वो आपको सिर्फ तोड़ेगा, वो आपको अधमरा छोड़ देगा। लेकिन याद रखना जब परमेश्वर आपको मारे, पॉल कहता है यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी। ओ जब उसकी मार होती है ना, प्यार भरी मार होती है, आपको इतना मजा आएगा, आप ना आपके अंदर खुशी के आंसू बहेंगे उसके व्यवहार को देखकर कि कितना पुत्र की तरह व्यवहार किया है उसने मुझसे। मुझे इन चीजों को सिखाने के लिए ना 2-2, 3-3 घंटे चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं टच करके छोड़ देता हूं। लेकिन ट्रस्ट में जब परमेश्वर आपको तोड़ता है ना, उस तोड़ने में भी आनंद होता है। आपको वो ऐसा नहीं छोड़ देगा जिसे आजकल लोग दिखते, ओ मेरे को खुदा तोड़ रहा है, ये वो। सो सॉरी सर,
ये खुदा नहीं है। मानवीय कामों को खुदा का काम कहना बंद कर दे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड गॉडली। अब चलो स्टार्ट करते हैं। खुदा अगर देखता है हम पर प्रॉब्लम्स आती हैं, देखो हमें क्या करना चाहिए उस समय। आप जानते हो कलाम पाक कहता है विपत्तियों को आते यहोशापात देखकर डर गया था। क्यों डरा वो? उसके डरने का एक कारण था, वो इज़राइल का नहीं, वो यहूदा का राजा था। आप सभी जानते होंगे परमेश्वर ने 12 ट्राइब्स को कनान में रखा था, पर आपको पता है एक ट्राइब अलग रहता था। आप हमेशा पढ़ोगे यहोशापात, और उन दिनों में एक राजा सिर्फ एक ट्राइब का था, बाकी सारे 11 गोत्र अलग राजा के हाथ में थे। 12 गोत्र, गोत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ग्रुप्स। 12 ग्रुप्स थे इज़राइल के अंदर रहने वाले, लेकिन एक जो ग्रुप था वो अलग रहता था, जिसका नाम था यहूदा। आप पढ़ सकते हैं उन दिनों में आहाब इज़राइल का राजा था और यहोशापात यहूदा का राजा था। कितने लोग होंगे यहूदा में? 1/3 भी नहीं है, कितने थोड़े से लोग होंगे उसके पास। जब यहोशापात को पता चला कि 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, वो डर गया। जानते हो वो क्यों डर गया? क्योंकि वो बहुत थोड़े थे और उसे पता था कि मुझ अकेले से लड़ने के लिए 3 नेशंस आ रही हैं। जरा आप सोचिए, अगर हम न्यूज में भी सुन लें कि 3 देश हमारे खिलाफ हैं, अब हम डर जाते कि पता नहीं कब वॉर न लग जाए हमारी। बीच में भी आपने देखा था हमारी थोड़ी सी वॉर चल रही थी चाइना की। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने दुआ करी थी, मैं प्रार्थना करता हूं। आपको पता है आपको यरूशलम के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए।